करके हमारे महामंत्री बीजेपी के महामंत्री उनकी मौत हो गई है। यह बहुत दुखद है। यह बिहार की सरकार लाठी गोली वाली सरकार है और बर्बरता पूर्वक आज पूरी तरह से दमन की नीति अपनाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बिहार की जनता जो अपनी भावनाओं को लेकर इस बहरी गुंगी सरकार को जगाने के लिए और सुनाने के लिए सड़क पर निकले थी, लोकतंत्र में अधिकार है, शांतिपूर्ण तरीके से लोग मार्च कर रहे थे, उस पर बिहार की यह भ्रष्टाचार ही नहीं गुंडागर्दी वाली सरकार, गोली लाठी वाली सरकार ने एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की आहुति ले ली। हम उनको नमन करते हैं, विजय सिंह जी को, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आज हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और बिहार की जनता घायल हुई है, आंसू गैस छोड़े गए, लाठियां चलाई गई, कई तरह का बल प्रयोग किया गया, पानी के बौछारें भी हुई और दमनकारी नीति जो फुटेज में आया है आप लोग देखे होंगे, इस तरह की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम बिहार बिल्कुल हम मिलने गए, अभी हम पीएमसीएच में खड़ा है, आप यही खड़े हैं, उनकी मौत हो गई, उनको लाठी से बर्बरता पूर्वक मारी गई, गैस के गोले जो छोड़े गए थे बड़ी ही भारी मात्रा में उसका भी उनको असर हुआ और चोट के कारण और आंसू गैस के कारण उनकी मौत हो गई और बर्बरतापूर्ण उन पे प्रहार हुआ। आज बिहार प्रदेश की लोगों के लिए, यहाँ के किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाओं के लिए बिहार से हम दमनकारी सरकार जो पहले भी बिहार के लोगों पर लाठी चला कर उस पर लाठियां बरसा कर घायल करती रही है, पीटती रही है, उसके खिलाफ आज मार्च में सम्मिलित विजय जी की आहुति हो गई। भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत कार्यकर्ता बिहार के लोगों के हक के और अधिकार के लिए अपनी आहुति दे दी है और कई सांसद हमारे, चाहे वो सिग्रीवाल जी हैं, यहाँ गोपाल जी ठाकुर जी हैं, गोपाल बाबू के लड़के त्रिविक्रम हैं, हमारे कई विधायक यहाँ घायल हैं, कई मीना झा जी कार्यकर्ता घायल हैं, यहाँ प्रमोद जी भी हैं, यहाँ हमारे बहुत सारे MLC आम कार्यकर्ता घायल है, जनता भी घायल है और PMCH में हम खड़े होकर अभी उन सब लोगों को देखे हैं। यह सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, गोली लाठी की सरकार को लोकतंत्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज के मार्च पर जो लाठी चली है, बर्बरतापूर्ण लाठी की सरकार और आंसू गैस वाली सरकार को बर्बर सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बिहार के लोगों के हक और अधिकार के लिए, नौजवान, शिक्षक, छात्र, महिला, किसानों के हक के लिए आगे लगातार संघर्ष करेगी, आंदोलन करेगी और इस सरकार को बता देंगे कि बिहार की भावना है आपके खिलाफ है, आपको अब यहाँ की जनता आपको किसी भी प्रकार से माफ करने वाली नहीं है। फिर विजय सिंह की मौत, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता विजय सिंह की मौत बिहार के लोगों के अधिकार के लिए और उनको न्याय दिलाने के लिए हो गई। हम ऐसे कार्यकर्ता पे भारतीय जनता पार्टी को गर्व है और बिहार के लोगों को भी गर्व है कि हमारे हक के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज मार्च निकाला, कार्यकर्ताओं ने लाठी खाई, आंसू गैस झेले, बर्बरतापूर्वक उसके बर्ताव को झेले और विजय कुमार सिंह ने अपनी शहादत दे दी। नमन है विजय।